भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में आ गई है ईटानगर में, और तस्वीर में आपको जो दिखा रही हूँ वो अब तक आपने नहीं देखी होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आप देख लीजिए बीचों बीच राहुल गांधी और साथ साथ पूरी भीड़ जनसैलाब जो है वो चलता दिखाई दे रहा है। आगे योगेंद्र यादव, जयराम रमेश, तमाम नेता जो है वो आपको चलते दिखाई दे रहे हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग और साथ ही साथ आम जनता जो है वो इस भीड़ में आप देख लीजिए एक सैलाब की तरह भीड़ चल रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झंडों के साथ ऊपर की तस्वीर भी दीक्षा दिखा दीजिए, जो लोग अपनी घर की बालकनी से देख रहे हैं ये नज़ारा, सभी लोग कोई छत से देख रहा है, कोई घर की बालकनी से देख रहा है ये नज़ारा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बढ़ती हुई अरुणाचल प्रदेश में पैर जमाती हुई, चुनावी लिहाज से नॉर्थ ईस्ट का चुनाव जो है वो किया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये होर्डिंग्स भी दिखा दीजिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जनरल सेक्रेटरी APCC श्री युमलांग अचुंग का एक पोस्टर लगाया जिसमें राहुल गांधी का वो स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेलकम राहुल गांधी, और इन पोस्टर्स के साथ साथ झंडों का हर किसी के हाथ में झंडे दिखाई देते हैं, और इस वक्त स्लोगन जो है वो लग रहे हैं न्याय का हक मिलने तक। दीक्षा थोड़ा इस तरफ आ जाइए, न्याय का हक मिलने तक, बड़े बड़े झंडे पोस्टर आपको दिखाई देंगे इस तस्वीर में। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, इसे अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीर है जहां पर हजारों लोग जो है कई सारे लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करने आए हैं, राहुल गांधी को देखने आए हैं और उनसे बातचीत मुलाकात करने आए हैं। कि राहुल गांधी क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में, और मैं आपको बता दूं क्योंकि मणिपुर से यात्रा हम कवर कर रहे हैं इसलिए कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा भीड़ का जो नज़ारा आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा भीड़ अब तक की नजर आई है। मणिपुर में भीड़ नजर आई, असम में भीड़ नजर आई, नागालैंड में भीड़ नजर आई स्कैटर्ड तरीके से, लेकिन यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं सैलाब पीछे चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीर है, हमारी कैमरा पर्सन दीक्षा यादव बहुत अच्छे से पूरी तस्वीर जो है वो कैद कर रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का जो चुनाव किया गया वो कड़ी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इसके आगे जो यात्रा है वो बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्य जो बड़े हैं और जो चुनावी लिहाज से जरूरी भी है वहाँ यात्रा जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी आपको आगे भी। लेकिन फिलहाल ये यात्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ईटानगर में है, और ये मार्केट एरिया है जहाँ ये यात्रा इस वक्त मौजूद है। ये पूरा मार्केट एरिया है जो आपको दीक्षा दिखा रही हैं, दोनों तरफ मैं देख पा रही हूँ मार्केट का एरिया है, ईटानगर है, डेवलप्ड दिखाई पड़ता है इन कंपैरिजन टू जो दूसरी जो स्टेट्स में हम गए, राज्यों में हम गए। और अब ये तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से, ईटानगर से, जहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच गई है। आपको बता दें राहुल गांधी इस वक्त पद यात्रा जो है वो कर रहे हैं ईटानगर में। आपको बता दें कि एक हाइब्रिड यात्रा है जिसमें जो मैक्सिमम वक्त है वो चला जाता है, मैक्सिमम वक्त जो है वो चला जाता है बस के जरिए राहुल गांधी चलते हैं, और दूसरी तरफ पैदल भी बीच बीच में चलते हैं पद यात्रा, जहाँ क्योंकि रोड्स यहाँ पर जो है वो जयराम रमेश जी का कहना था कि नागालैंड की तरफ जो है दूसरी तरफ जो है वो रोड्स बेहतर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आपको जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सैलाब चलता हुआ अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर योगेंद्र यादव भी अपने कैमरे में कुछ कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और नज़ारा भी एक बार दिखा दीजिए, अरुणाचल प्रदेश में आए हैं, नॉर्थ ईस्ट का नज़ारा दिखाना नहीं भूलेंगे। अंडररेटेड लोग कहते हैं लेकिन बेहद ही सुंदर अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के राज्य बेहद ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। पीछे दीक्षा आपको दिखा रहे हैं धीरे धीरे जो है वो राहुल गांधी, तमाम नेता, जनता आगे बढ़ती हुई, और यहाँ पर आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की ये तस्वीरें। पीछे आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे, एक व्यू भी दिखाई देगा, और उस व्यू के बीच ये व्यू भी दिखाई देगा जो कि है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, जिसके न्याय की बात लगातार कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने जयराम रमेश जी से बात की और उन्होंने कहा
चीन के मुद्दे का उन्होंने जिक्र किया और राहुल गांधी जब संबोधन अब अरुणाचल प्रदेश में करेंगे तो चीन का जिक्र जरूर आने की संभावना है, क्योंकि चीन से जुड़ी बातें जो हैं हम जानते हैं बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई, राहुल गांधी की तरफ से की गई। तेजी से काफिला जो है वो बढ़ता हुआ आगे, राहुल गांधी बीचों बीच पद यात्रा कर रहे हैं और पद यात्रा के साथ साथ जो है वो सैलाब उमड़ता दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं लोग जो है वो और ज्यादा इस यात्रा में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा भीड़ हमें अब तक की अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दी है, जहां पर भाजपा की सरकार है। हमने देखा कि नबम तुकी जो है वो राहुल गांधी के साथ जुड़े अरुणाचल प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो इस यात्रा में जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो ये अरुणाचल प्रदेश की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज तक पर इस वक्त। पीछे सैलाब जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में जो इस वक्त यात्रा मौजूद है वो मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। मणिपुर, नागालैंड, असम, इन सभी राज्यों से होती हुई एक यात्रा जो है वो अब अरुणाचल प्रदेश में कदम रख रही है। अरुणाचल प्रदेश में से आगे जब ये रास्ता बढ़ेगा तो बंगाल की ओर बढ़ेगा, बिहार की ओर बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेगा, ओडिशा जाएगा, झारखंड जाएगा, अंत में मुंबई, महाराष्ट्र जाएगा ये जनसैलाब। बात करेंगे जो यहाँ की समझ रखते हैं और यहाँ की समझ रखते हैं बहुत अच्छी। आप बताइए जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, इतना ज्यादा सैलाब एक्सपेक्ट किया गया था कि इतनी भीड़ आएगी यहाँ पर? हम लोग पीसीसी तो इससे ज्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक के चलते वन वे होने के नाते पब्लिक बहुत लोग नहीं आ पाए। लेकिन राहुल जी को चाहने वाला अरुणाचल में बहुत लोग अभी भी है। कांग्रेस फैमिली को चाहने वाला, गांधी फैमिली को चाहने वाला अरुणाचल में अभी भी बहुत लोग है। बहुत भीड़ अभी भी उभर के आए, बहुत लोग ट्रैफिक का कारण नहीं आ पाए। लेकिन जब दोईमुख से देखा यहीं तक बहुत लोग आए, हम लोग पीसीसी वाले बहुत ही संतोष है और आगे भी जारी रहेंगे। जी, तो जारी रहेगा संघर्ष आगे भी। हमने बात करने की कोशिश की अरुणाचल के लोगों के मुद्दे क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग सड़कों पर आए, बेरोजगारी लोगों ने कहा मुद्दा है यहाँ पर, तो ये लोगों से बात करने की कोशिश तो है। भागना पड़ता है पूरा काफिले को कैचअप करने के लिए और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मैनेज करने की कोशिश करते हुए अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि इतना ज्यादा भीड़ जो है वो हमें दिखाई पड़ती है। हमें इस वक्त योगेंद्र यादव भी दिखाई दे रहे हैं जो साथ साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं, यूथ कांग्रेस के लोग जो है वो जुड़ते हुए नजर आए इस पूरी यात्रा में। तो ये अरुणाचल प्रदेश की तस्वीर जो है वो आपको इस वक्त देखने को मिल रही है। न्याय का हक मिलने तक के नारों के साथ ये भीड़ जो है वो आगे बढ़ती हुई आप देख सकते हैं। ट्रेडिशनल पोशाक में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर अरुणाचल। आप देख लीजिए पीछे बेहद ज्यादा भीड़ जो है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के साथ जो है वो इस वक्त जो यात्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और इसके साथ ही और रिपोर्ट्स जो है आपको मिलती रहेंगी। मैं आपसे कह रही थी कि अरुणाचल प्रदेश में लोगों के मुद्दे क्या है लोगों के? लोगों के यहाँ पे मुद्दे बेरोजगार है, कास्टर पे करप्शन है, जो अभी फिलहाल में भी एपीसीएस प्यास को पेपर बेचने का जो षड्यंत्र बीजेपी गवर्नमेंट ने रचा है, बहुत युवा बीजेपी से नाराज है। पेमा खांडू गवर्नमेंट से बहुत युवा नाराज है, और खासतौर पर जब चाइना की बात आते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री की बात आते हैं, चाइना के लोग यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं, घर बना रहा है, सड़क बना रहा है, उसके चलते भी कांग्रेस कमेटी ने बहुत कोशिश की है मोदी का सोया हुआ मोदी को जगाने के लिए, अभी किरण रिजिजू को भी जगाने के लिए कोशिश की है, लेकिन अभी भी बीजेपी गवर्नमेंट सोया हुआ है। इसलिए आप खुद ही देखे है जन सैलाब उभार रहा है, ये सैलाब असेंबली तो पार्लियामेंट तो कांग्रेस कार्यकर्ता लोग लेके चलेंगे, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी जरूर। देश का लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और अरुणाचल का लोग तो ये चाहते हैं राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि अरुणाचल ही गांधी फैमिली का और कांग्रेस का। राहुल गांधी।
दिया हुआ जैसा तोहफा जैसा है, कांग्रेस ने बनाया अरुणाचल को, गांधी फैमिली ने बना लिया, इसलिए अरुणाचल के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी देश की पीएम हो। जी एक बार तस्वीरें दीक्षा पीछे की दिखाती रहिए, और इस बीच इधर एक बार बात करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश की। ये जो सड़कों पर युवा आए हैं, क्या ये मोदी सरकार से नाराज है, क्या ये नाराजगी है जो सड़कों पर आई है? मैंने पहले भी बोला, मोदी गवर्नमेंट और पेमा गवर्नमेंट से तो अरुणाचल के लोग बहुत ही नाराज है, और बीजेपी गवर्नमेंट से तो बहुत के लोग नाराज है। यहाँ पे आपका खास तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ता लोग आए, और यहाँ के जितना एनजीओस है, यहाँ के जितना सिविल सोसाइटी है, उन लोग भी उभार के आए। आज रास्ता पे बहुत लोग का चेहरा देखा मैंने, बहुत ही सीनियर नेता लोग भी, अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग भी उभार के आए, बहुत यहाँ का लर्नर एजुकेटेड सिटीजन लोग को भी देखा, ऑफिसर लोग को भी देखा। राहुल का एक झलक पाने के लिए दोईमुख गुमतों से यहाँ तक वीर उमर फरे है। ये मैंने पहले भी बोला, ये पार्लियामेंट असेंबली तक ये एक गंती है। हम लोग कोशिश करेंगे 60 को कांग्रेस लड़ेंगे, कांग्रेस गवर्नमेंट लाएंगे, और सेंटर पे भी राहुल जी को लेके आएंगे, देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। स्टेट में भी और सेंटर पे भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं आपने कहा? नहीं, हम चाहते हैं यहाँ हमारा स्टेट में कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, और सेंटर में राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। हर एक कांग्रेस वालों की आवाज है ये, और हर अरुणाचली की आवाज है। जी बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बेहतर समझ रखते हैं, इसलिए हमने उनसे मुद्दों की बात की कि क्या यहाँ के लोगों का मुद्दा है, किस बात को लेकर ये युवा जो है सड़कों पर आ गए, और सबसे ज्यादा भीड़ हमें अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान। ऐसी और रिपोर्ट्स आपको मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ निधि तनेजा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर से।